रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ जारी है। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से आज ईडी पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाही के लिए उन्हें समन किया गया था। पहले भी ईडी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें सबसे पहला नाम रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का आया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला सेना जमीन घोटाले को लेकर है। यहां पर फर्जी कागजात बनाकर सेना जमीन को बेचा गया है, जिसको लेकर ईडी पिछले कई महीनों से कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों से भी पूछताछ जारी है, जिसके तहत आज यहां पर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान को समन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन पर आरोप है कि जेल में बंद 11 आरोपियों को छूट दी गई थी, उसके कारण वहां पर सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था कि इन कारणों से इन्हें छूट दी गई है। वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आज वो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इन्हें 26 और 27 तारीख को पेश होना था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। आज ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है। धीरे धीरे सभी पर शिकंजा कसते जा रही है और एक एक करके जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं उन्हें बुलाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई व्यवसायियों को भी ईडी ने समन किया था, जिनसे पूछताछ की चुकी है ईडी, और अब जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से आज पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर उनसे शायद पूछताछ अभी जारी है। और आपको बता दें कि इस मामले में ईडी शिकंजा कसते जा रही है और एक के बाद एक कई लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनके भी नाम सामने आ रही है। धीरे धीरे करके सबसे पूछताछ की जा रही है और हर राज खोलने जा रही है। इस पर कई सफेदपोश के भी नाम आ सकते हैं यहाँ पर। और आज जैसे कि जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से ईडी पूछताछ कर रही है। इन पर आरोप है कि जेल में जो आरोपी बंद है पहले से, उन्हें छूट दी गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था लेकिन उसको पेश नहीं किया गया था, कुछ उसमें गड़बड़ियां थी, जिसको लेकर इन्हें 26 और 27 तारीख को समन किया गया था, लेकिन उस दौरान ये मौजूद नहीं हुए। लेकिन आज इन्हें फिर से समन किया गया था और आज ये ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है कि जो रियायत दी गई थी कैदियों को, जो नहीं देना चाहिए था, उसका सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चित्रंजन संवाददाता रांची से जुड़ चुके हैं। तो क्या अभी पूछताछ जारी है वहां पर पुलिस अधीक्षक और यहां पर जेलर से? जी बिल्कुल, पूछताछ शुरू है। जो जेल अधीक्षक है हामिद अंसारी, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। कई पहलुओं पर पूछताछ चल रही, क्योंकि दो समन भेजने के बाद ये ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले भी 26 और 27 तारीख को ईडी ने समन भेजा था कि आप आए, लेकिन इन्होंने ये ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद इन्हें आज के तारीख पर 30 तारीख को उनको दोबारा समन किया गया था कि आज के दिन इन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना है। तो ईडी कार्यालय ये पहुंच चुके हैं और ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि यह मामला लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग से मामला जुड़ा हुआ मामला है और दोनों मामले पर जो संदिग्ध पाए गए थे, क्योंकि जेल अधीक्षक, क्योंकि जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो जेल कैदियों को या फिर जो जेल में बंद रहते उनको जो छूट दी जाती है, उनके अलावा भी जो लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो लोग गिरफ्त में आए हैं उनको जो छूट दी गई थी, तो वो जेल मैनुअल के खिलाफ आउट ऑफ द वे जाके इन्हें छूट दी गई थी, जिनको लेकर इनको बुलाया गया। साथ ही साथ लैंड स्कैम मामले में जो जिनके तार जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ ईडी ने इनसे जेल का वीडियो फुटेज मांगा था, जिसका वीडियो फुटेज में भी छेड़खानी की बात कही गई। इन सारे पहलुओं पर जांच होनी है। इन सारे पहलुओं पर ईडी अपने फेयरलेस सवालों के साथ ईडी जेल अधीक्षक से पूछताछ कर रही है। जी बताया जा रहा था कि जेल में जो छूट दी गई है उसका सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था, जिसमें छेड़खानी की गई थी, और अभी भी क्या लग रहा है कि आज वो फुटेज पेश किया गया है या नहीं? देखिए आज तो ये पूरे, क्योंकि एक लंबे दो तारीखों में नहीं जाने के बाद कोई भी जब ईडी किसी को बुलाती है तो वो भी एक पूरी तैयारी से जाती है, कागजात लेके जाते हैं और ईडी के पास भी कई अहम सबूत होते हैं, तब वो किसी को समन भेजती है, क्योंकि ईडी एक केंद्र सेंट्रल जांच एजेंसी है, तो ऐसे भी किसी को और जब भी जांच के लिए बुलाती है या पूछताछ के लिए बुलाती है तो उनके पास जब पुख्ता सबूत होते हैं उनके खिलाफ तो ईडी समन भेजती है, और जब उनसे कोई मामला उनसे कोई संबंधित जब कोई मामला रहता है तो ईडी बुलाती है। आपको बता दें कि जेल प्रशासन 2022 के बाद का सीसीटीवी फुटेज मांगा था ईडी ने, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद वाला फुटेज मुहैया कराया गया था,
तो जबकि ईडी ने अगस्त 2022 के बाद का मांगा था सीसीटीवी फुटेज, लेकिन जो जेल अधीक्षक है उन्होंने दिसंबर 2022 के बाद का फुटेज मुहैया कराया था, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की थी। उसके बाद इन्हें फिर से ईडी ने जांच के लिए बुलाया है, पूछताछ के लिए बुलाया जो जेल का अधीक्षक है उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इन्हें पहले भी समन भेजा गया था 26-27 को, लेकिन उस दौरान वो नहीं मौजूद हुए थे, लेकिन आज ईडी कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं यहाँ पर जेल अधीक्षक और जेलर, जिनसे पूछताछ जारी है ईडी द्वारा। उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था